हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ाहिरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रेसिपी जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है पिज्जा मैगी की। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग एंड न्यू रेसिपी। सो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिज्जा मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैगी, ऑब्वियसली। सो सबसे पहले मैगी को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे, जिसके लिए मैंने एक सॉस पैन में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और इसके अंदर मैं डालूंगी मैगी। एंड इसे स्टर करने के बाद अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैगी बॉईल हो चुकी है, सो इसे हम छान लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। बॉइल्ड मैगी को अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं ले रही हूँ एक बोल। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2-3 टीस्पून ऑफ बेसन, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, मैगी मसाला जो आपको मैगी के पैकेट में मिल जाएगा, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड काली मिर्च पाउडर। सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, सो इसके लिए मैंने लिया है एक विस्क और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये आप एक टिप के तौर पे यूज कर सकते हैं। पानी डालने से पहले आप मसाले और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें, इससे लम्स नहीं बनते और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। एंड नाउ आई विल ऐड सम वाटर एंड वेजिटेबल्स ऑफ माय ओन चॉइस, जिसके लिए मैंने लिया है क्यूक्यूम्बर, अनियन एंड टोमेटोस एंड ऑफ कोर्स ग्रीन चिली, और इन सबको मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा, एंड बाय द हेल्प ऑफ विस्क मैं इन्हें 3-4 मिनटों के लिए अच्छे से मिक्स करूंगी। आप इन्हें स्लोली मिक्स करें सो डेट लम्स नहीं बने, एंड जरूरत पड़ने पे पानी ऐड करें। बैटर को हमें ना ही बहुत ज्यादा पतला और गाढ़ा बनाना है, इट शुड बी एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। सो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी बॉइल्ड मैगी इनसाइड द मिक्सचर। वैसे आपने कौन सी डिशेस मैगी को लेकर इन्वेंट की है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो अब हम मैगी को अच्छे से मिक्स करेंगे विद ऑल द वेजिटेबल्स, और साथ ही ऐड करूंगी वाटर। एंड नाउ जस्ट मिक्स इट। एंड फाइनली इट्स टाइम टू मेक पिज्जा मैगी। सो सबसे पहले मैंने लिया है पैन, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल अप्लाई करूंगी। ऑयल गर्म हो जाने के बाद पिज्जा मैगी का मिक्सचर इवनली स्प्रेड कर दूंगी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, एंड हाउ प्रिटी दिस इज लुकिंग। सो बैटर को मैंने इसी तरीके से इवनली स्प्रेड कर दिया है, और फ्लेम को हम कर देंगे लो टू मीडियम फॉर 10 मिनट्स, एंड इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, एंड लेट्स चेक आवर पिज्जा मैगी। सो आप देख सकते हैं ये पहले से थोड़ा फ्लफी हो गया है। सो विद द हेल्प ऑफ अ वुडन स्पैचुला इसके साइड्स को हम टर्न करेंगे, और अगर आपको दिक्कत आए तो आप प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट लाइक आई डिड, बट ये प्रोसीजर आपको बहुत ही केयरफुली करना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है इनटू 2 पीसेस। एज यू कैन सी मैं कितना जेंटली प्लेट पे रख रही हूँ। एंड नाउ पैन पे मैं फिर से ऐड करूंगी ऑयल, और इसे गर्म होने के बाद पिज्जा मैगी की अनकुक्ड साइड को मैं इस पे प्लेस कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसकी दूसरी साइड पे कितना अच्छा गोल्डन एंड ब्राउन कलर आया है। इसे हम जेंटली टैप करेंगे, एंड अगेन फॉर 10 मिनट्स लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे।
10 मिनट्स हो चुके हैं और पिज्जा मैगी रेडी हो चुका है। इट्स सीजलिंग हॉट राइट नाउ एंड एब्सोल्युटली डिलीशियस। एंड नाउ वी हैव टू सर्व दिस इनटू द प्लेट। सो बिना ब्रेक किए जेंटली इसके एजेस को पहले कट करेंगे एंड इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सो बहुत ही डिलीशियस स्नैक रेसिपी पिज्जा मैगी बिल्कुल तैयार है। आप इसे पिज्जा स्लाइसेस के जैसे कट कर सकते हैं एंड केचप के साथ सर्व करें विद इवनिंग टी। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।